हाय, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज के इस लेक्चर पे हम लोग इन्फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन देखेंगे। इन्फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करने के लिए आपको इन्फिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि तो उसी एल्गोरिथम में हम थोड़ा सा चेंज करके इन्फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ सी। इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लेते हैं और इसके बाद इनके सिंबल्स को एक एक करके नोट कर लेते हैं। प्रोसेस लगभग वैसा ही होगा जैसा कि हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में करते हैं। लास्ट सिंबल हम डॉलर को मान लेते हैं। यहाँ से हम सबसे पहला सी पिक करते हैं क्योंकि ये सिंबल ऑपरेंड है, इसलिए ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। ऑपरेटर है और स्टैक मेरा एम्प्टी है तो मैं इसको पुश कर लूंगा स्टैक में। फिर ये ऑपरेंड है, मैं इसको भी पोस्ट प्रीफिक्स में ऐड कर लेता हूँ। फिर ये प्लस है, स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं प्रेसिडेंस चेक करूंगा। प्रेसिडेंस अब मैं पोस्टफिक्स के केस में चेक करता है स्टैक टॉप का सिंबल पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा चेक किया जाएगा, सिंबल का स्टैक टॉप पे चेक करेंगे प्रेसिडेंस। तो सिंबल यहाँ पे प्लस है और ये सिंबल मल्टीप्लीकेशन है और ये प्रेसिडेंस फॉल्स है। अगर ये पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन पोस्टफिक्स कन्वर्जन होता तो हम फॉल्स केस में सिंबल को स्टैक पे पुश करते, लेकिन यहाँ पे जस्ट रिवर्स करेंगे, फॉल्स केस में पॉप करेंगे और रिपीटेड फॉल्स केस में पॉप करते रहेंगे, लेकिन अगर ट्रू आएगा तो स्टैक में पुश करते। तो चूंकि यहाँ पे फॉल्स आया इसलिए हम स्टैक से एक सिंबल को निकालेंगे और इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। अब चूंकि मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया इसलिए मैं सिंबल को स्टैक पे पुश कर, फिर ए है मेरे पास, प्रीफिक्स में ऐड हो गया, डॉलर है एक्सप्रेशन में, कुछ और करेक्टर नहीं बचे हैं, तो स्टैक में बचे हुए सारे करेक्टर्स को एक एक करके हम पॉप करेंगे और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। फाइनली हम इस पूरे एक्सप्रेशन को भी रिवर्स कर देंगे और रिवर्स किया हुआ ही जो स्ट्रिंग होगा ये मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने दो तीन चेंजेस किए। पहला तो ये कि एक्सप्रेशन को स्टार्टिंग में ही रिवर्स कर दिया। फिर हमने जो प्रेसिडेंस चेक किया वो सिंबल का चेक किया स्टैक टॉप पे, जस्ट रिवर्स ऑपरेशंस किए, फॉल्स के केस में पॉप किया और जब तक फॉल्स आता रहा हम पॉप करते रहे, जैसे ही ट्रू आया हमने सिंबल को स्टैक पे पुश कर दिया, या फिर अगर स्टैक एम्प्टी रहा तो भी हमने स्टैक पे पुश कर दिया। फाइनली हमने अपने एक्सप्रेशन को रिवर्स करके रिटर्न किया। तो स्टार्टिंग में भी रिवर्स करना है और एंड में भी रिवर्स करना है। तो चलिए हम इसको कोड ब्लॉक की स्क्रीन पे देखते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का कोड बना हुआ है जिसमें हमने प्रेसिडेंस फंक्शन भी लिखा हुआ है और हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का कोड लिखा। तो आइए सबसे पहले हम काम करते हैं कि इस फंक्शन का नाम चेंज करके इनफिक्स टू प्रीफिक्स कर देते हैं। मेन में भी हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स फंक्शन को कॉल किया है, इनफिक्स एक्सप्रेशन यूजर से ले लिया है एंड देन उसको इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कॉल कर दिया है। जहां जहां पोस्टफिक्स लिखा है उसको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जिन जिन प्लेसेस पे पोस्टफिक्स लिखा था हमने उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, प्रीफिक्स में चेंज कर दिया है। अब आइए हम एक्चुअल कोड करते हैं। तो तीन चेंजेस रिक्वायर्ड थे। पहला ये था कि जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है उस एक्सप्रेशन को मुझे रिवर्स करना है। तो मान लीजिए कि हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं और इन प्लेस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद जहां हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं वहां पे ऑर्डर चेंज कर देते हैं प्रेसिडेंस चेक करने का, सिंबल का स्टैक टॉप पे प्रेसिडेंस चेक करते हैं। और चूंकि ट्रू के केस में न पॉप करके मुझे फॉल्स के केस में पॉप करना है इसलिए मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, बाकी चीजें वैसे ही। लास्ट में जब मेरे पास एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा तो मैं उस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर लूंगा। तो मेरे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को strrev फंक्शन से मैं रिवर्स करके फाइनली इसको मैं प्रिंट करूँ। strrev को यूज करने के लिए मेरे पास स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड होनी चाहिए। तो
तो मैंने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करा लिया। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया ए प्लस बी, इसका प्रीफिक्स प्लस ए बी आना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है। बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे हमने एक्सप्रेशन लिया ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ सी डिवाइडेड बाई डी। सो हियर इज द कन्वर्टेड एक्सप्रेशन। पहले मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट होगा फिर डिविजन एंड देन प्लस। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़े ही आसानी से इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर। तो इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और आगे के लेक्चर्स में हम और भी प्रोग्राम्स देखेंगे स्टैक से रिलेटेड, और हम स्टैक की सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन सबसिक्वेंट लेक्चर्स। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।